आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी भोपाल की ही एक यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है वो, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SAM, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आसपास की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उन यूनिवर्सिटीज से उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक और हम बात करें, अपने देश में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या उस देश की तरक्की में। वहीं दूसरी ओर किसी भी देश की जो एजुकेशन प्रणाली है या एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, वरना उस देश में वो तरक्की नहीं हो पाती जो तरक्की होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर एजुकेशनल कंसल्टेंसीज इतनी बड़ी बड़ी, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इतनी बड़ी बड़ी है, या फिर जिन देश में इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेने चाहते हैं उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा। वहीं दूसरी ओर हम अपने देश की बात करें, अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं और हर साल नई नई यूनिवर्सिटीज खुलती भी रहती हैं। हर साल नई नई यूनिवर्सिटी बनने की वजह से ही आज अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो 1000 पार हो चुका है अपने देश में, 1000 से भी ज्यादा टोटल यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में। आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी भोपाल की ही एक यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है वो, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SAM, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है। भोपाल में यूनिवर्सिटी स्थित है, ये भी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है जितनी टोटल भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज चलती हैं। टोटल 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं टोटल मध्य प्रदेश में, 41 एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ और सिर्फ भोपाल में ही है। सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं बताऊंगा काफी कुछ आपको कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी कब बनी है, यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, रजिस्ट्रार साहब कौन है, और साथ ही UGC पर आप यूनिवर्सिटी को कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक वीडियो बनाई है जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, इवन हमने भोपाल में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाई है जो भोपाल में ही चलती है, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के आसपास ही चलती है। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आसपास की जो यूनिवर्सिटीज होती है उन यूनिवर्सिटीज से उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर करना चाहिए, उसकी फीस को कंपेयर करना चाहिए, साथ ही यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, और साथ में ही जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसी कोर्स की जो क्लासरूम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आप जरूर मिलें, ऐसे ही एडमिशन ना लें, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम या धोखा हो जाए। दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी, कुछ अप्रूवल्स हैं, यूजीसी पर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, बाकी हम जब भी कभी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे दिल्ली से आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच सकते हैं, और साथ ही जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको विजिट हम बहुत जल्दी करेंगे, डिटेल में आपको वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। 2022 का प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का क्या बोलता है उसके लिए हमने काफी बार यूनिवर्सिटी को मेल तो किया पर अभी तक हमारे पास कोई प्रोस्पेक्टस की कोई अपडेट आई नहीं। जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा प्रोस्पेक्टस के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे 2022 में कौन से कोर्सेज एड ऑन हुए और 2023 में कौन से और नए अप्रूवल आ सकते हैं या कौन से कोर्सेज एड कर सकती है यूनिवर्सिटी। सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ एक शॉर्ट डिटेल, यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2019 में यूनिवर्सिटी ये बनी है, जो यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज है UGC पर कहाँ रैंक करती है हम अभी आपको बताएंगे। UGC पर आप इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप कैसे चेक करेंगे सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट करने वाली सिर्फ एक ही बॉडी है, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 का एक्ट है जिसके अनुसार सभी यूनिवर्सिटी को UGC मान्यता देता है तभी यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ पाती है। UGC पर इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जैसी वेबसाइट खुलेगी वहां पर यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज के टैब पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक टैब, जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे जितने भी स्टेट अपने देश में है, वहां पर जाकर मध्य प्रदेश पर आप जाके क्लिक कीजिए, जैसे ही मध्य प्रदेश पर आप क्लिक करते हैं टोटल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखाएगा आपको,
जिसमें टोटल 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर देखें 41 के अंदर तो हर साल नई नई यूनिवर्सिटीज ऐड होती रहती हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज हर साल आती रहती हैं। अभी 2021 में भी एक नई यूनिवर्सिटी आई है, महा कौशल यूनिवर्सिटी, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। अभी आप देखना है आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैसी है, तो दोस्तों इसके आसपास की जो यूनिवर्सिटीज हैं उससे आप इसे कंपेयर करेंगे तो यूनिवर्सिटी अभी नई है, 2019 की ही यूनिवर्सिटी है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है ये। और यूनिवर्सिटी को और डिटेल में चेक करने के लिए पहले आप ये समझिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, यूजीसी पर आके चेक कीजिए, यहाँ पर मेंशन है www.samglobaluniversity.ac.in। यूनिवर्सिटी 14 अगस्त 2019 में यूनिवर्सिटी बनी है, और मोर डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जाने के बाद यूनिवर्सिटी की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर चीजें मेंशन है। VC's इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो डॉक्टर एन के तिवारी, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इनका फोन नंबर मेंशन है, साथ में ही इनकी मेल आईडी भी मेंशन है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जिसमें आप जब मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं कोई डिटेल्स होती नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी अपडेट करती नहीं है, पर इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। रजिस्ट्रार साहब की हम बात करें तो डॉक्टर शैलेश जैन, ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनकी भी मेल आईडी, उनका भी फोन नंबर यहाँ पर मेंशन है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो यूजीसी पर उसका लिस्ट होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ ही यूजीसी भी चेक करती रहती है यूनिवर्सिटी का भी किसी तरह की गलत एक्टिविटीज में तो नहीं है। नेक एक्रेडिटेशन मतलब नेक का होना, अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज को चेक करता है नेक, नेक एक एक्रेडिटेशन देता है, मतलब एक्रेडिट करता है किसी भी यूनिवर्सिटी को, A+, A++, B, B++। दोस्तों हमने नेक पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, नेक कैसे काम करता है, कैसे वो यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिट करता है, किस तरह से ग्रेडिंग देता है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो चलती है, जब यूनिवर्सिटी आती है तो यूजीसी जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज, या हम कहें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, साथ में रिसर्च, रिसर्च का मतलब PhD, तो ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी कराना शुरू कर देती है, एडमिशन लेना शुरू कर देती है। अब बात आती है हॉस्टल्स की। दोस्तों हॉस्टल्स नई नई यूनिवर्सिटियों में आसानी से देखने को आपको नहीं मिलेंगे, पर आप रेगुलर किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, दूसरे स्टेट से जा रहे हैं, तो हॉस्टल्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वहीं जाकर रहेंगे। अगर हॉस्टल किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है। बाकी कोर्स की अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी और बाकी कौन से कोर्सेज करवाती है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी कोई भी काउंसिल कोर्स कराना चाहती है तो यूनिवर्सिटी को उस काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना वो कोर्स यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती। दोस्तों हालांकि आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के बारे में क्या एलिजिबिलिटी, क्या कोर्स फी, या कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो उसके लिए कोर्स की डिटेल लेने के लिए काउंसलिंग इंडिया, जो हमारा दूसरा एक YouTube चैनल है, आप उसको विजिट करें, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, सभी कोर्सेज की डिटेल आपको वहां मिलेगी। यूनिवर्सिटी इंडिया जो चैनल है, ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स, इन सब पर वीडियो बनाता है, आपको बताता है कौन सी यूनिवर्सिटी कहां चलती है, किस तरह से काम करती है। तो आप कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज ये लोग करवाते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है दोस्तों तो टेक्निकल कोर्सेज करा तो सकती है, बट AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है, और AICTE के अप्रूवल की जरूरत कॉलेजेस को पड़ती है, यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं पड़ती। यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाती है, साथ में बीटेक करवाती है, एमटेक करवाती है, साथ में ही एक कोर्स है स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब BBA MBA इस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, उसके लिए भी कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल ऑफ साइंस BSc कर सकते हो, MSc कर सकते हो, BSc में PCB, PCM या BSc के ऑनर्स कोर्स आप कर सकते हो, जैसे कि BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc बायो, ये सब कोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ कॉमर्स मतलब BCom, MCom, ये आप कर सकते हो, इसके लिए भी खास अप्रूवल की जरूरत नहीं है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ये भी कुछ खास कोर्स नहीं, यहाँ पर आप BSW, MSW या फिर कुछ अलग कोर्सेज, या फिर आप BA कर सकते हो, यहाँ से BA जो आर्ट्स होता है, या MA कर सकते हो। स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन मतलब होता है NCT का अप्रूवल, BEd MEd यूनिवर्सिटी करवाती है पर बिना NCT के नहीं करवा सकती। NCT पर, NCT काउंसिल बॉडी का नाम है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो हमारे इस चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। साथ में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मतलब BLib, BLIS, MLib, MLIS जो कोर्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये एक भी नॉर्मल एक कोर्स है। स्कूल ऑफ नर्सिंग INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल
होना जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाती है, एनएम जीएनबी कोर्सेज होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जो बीएससी नर्सिंग कैसे आप करेंगे, एनएम जीएनएम कोर्स क्या बोलता है, इन कोर्सेज पर डिटेल वीडियो आपको हमारे काउंसलिंग इंडिया चैनल पर आपको मिल जाएगी। स्कूल ऑफ फार्मेसी, जो भी कोई यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है फार्मेसी कोर्सेज, जैसे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, तो पीसीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। इसकी डिटेल वीडियो पीसीआई पर, डिटेल वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल बहुत सारे दोस्तों कोर्सेज होते हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए आईकार चाहिए होता है, आईकार का अप्रूवल, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, डिप्लोमा एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं। स्कूल ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, मतलब कि आप बीएनवाईएस बोल सकते हैं, बीएनवाईएस करवाती हैं, या फिर आयुर्वेद के रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो सब कराए जाते हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी, मतलब बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या एमजेएमसी कराया जाता है, मतलब उसी का मास्टर्स कोर्स, या फिर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बीएससी आईटी एमएससी आईटी करवाती है, साथ में ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों यूनिवर्सिटी 2019 से बनी है, 2019 से बनी है, लगभग 4 साल यूनिवर्सिटी को हो गए हैं, बट यूनिवर्सिटी के पास अभी भी ऐसे वो अप्रूवल्स जो होने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे अप्रूवल्स, हालांकि यूनिवर्सिटी 3-4 साल में ले लेती है, वो सब अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। और जो भी अप्रूवल्स हैं, जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, उनको और अच्छे से जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बिना विजिट करे एडमिशन गलती से भी ना लें किसी भी यूनिवर्सिटी में, और इसके आसपास और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं भोपाल में, तो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम बात करें सत्य साई यूनिवर्सिटी की तो 10-11 की वो यूनिवर्सिटी है, यहीं पर आरके डीएफ भी चलता है, एसआरके यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, आप भाभा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा नाम अपना बनाए हुए है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को भी जाकर विजिट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। बट कंपेयर करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है, कौन सा अच्छा ऑप्शन है, आप हमसे भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो, आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स पर चाहते हैं, किस अप्रूवल पर चाहते हैं, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।